नमस्ते जी, हेलो जी, वेलकम टू बियमून शो जी। अगर आपको नहीं पता है कि बियमून शो क्या है जी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला जो लिंक है जी, उसको आप क्लिक कर दो और वीडियो देख लो जी कि कैसा है, क्या करना है। तो जी, गर्मी का मौसम है जी, तो पसीना बहुत आ रहा है मुझे। और जी, अभी रात के ना 12:26 हो रहे हैं जी। पता नहीं क्यों बना रही हूँ मैं इतने रात को वीडियो। तो जी, जो जिसका आज क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पे मैं, उस टॉपिक पे मैं वैसे भी वीडियो बनाना चाहती थी बहुत टाइम से। आज फाइनली मुझे मौका मिल गया है। एंड ये मेरी आंटी है जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है बोल रही थी मैं, रात को सटक गई हूँ मैं। हाँ जी, तो इन्होंने लिखा है जी, हाय लुबू, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने 5 साल की बेटी को फ़ोन से कैसे दूर रखूँ। बिना फ़ोन के तो वो खाना भी नहीं खाती है। प्लीज़ इस पर कुछ एडवाइस कर दे। ओ जी आंटी जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझ पर भरोसा किया एंड आपने मुझसे पूछा है जी। बहुत गर्मी हो रही है जी। जी जी, क्यों बोल रहे हो? तो ये बात बोलने से पहले मैं इतना बता देना चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में बोलने से पहले, कि जो भी चीज़ है, बच्चे जो भी अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, तो आपकी गलती है इसमें। मैं मुंह पे बोल देना चाहती हूँ कि आपका ही फॉल्ट है कि आपने अपने बच्चे को ऐसी परवरिश नहीं दी है कि वो बिना फ़ोन के खाना वाना खा सके। तो आंटी, आपके लिए एडवाइस यही है कि गलती आपकी है कि आपने उसे बचपन से ही आदत लगा के रखा हुआ है कि बिना फ़ोन के वो अभी कोई काम नहीं कर रही है बड़े होके। क्योंकि एंड्रॉयड के ज़माने में जो राइम्स होती है, नर्सरी राइम्स जो भी है, बच्चों को सुनाते हैं पोएम वोएम, क्या हमें इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने ही बच्चों को अपने मुंह से कहानियाँ सुना पाए? इतना भी टाइम नहीं, आधे घंटे का या एक घंटे का, कि हम अपने बच्चों को खुद से ही उनको पोएम्स सुनाएं एंड पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाएं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने या फिर आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों को सुनाया होगा। यार पहले भी मम्मियाँ बनती थी सब लोग, सारी औरतें, तो यार उन्होंने तो फ़ोन का यूज़ नहीं किया, तब तो एंड्रॉयड था नहीं, फिर भी बच्चे शांत होते थे, खाना खाते थे, एक थप्पड़ का एक आँख दिखा दो तो भाई सब ऐसे सीधे सीधे लाइन पे आ जाते थे। आज क्यों नहीं? क्योंकि हम पेरेंट्स ही वीक हो गए। अब हम मुझे, मैं पेरेंट्स नहीं हूँ, बट लाइक आप लोगों की बात करूँ, मैंने हर जगह देखा है कि जैसे ही बच्चे रोने लग जाते हैं ना, माँ बाप फ़ोन पकड़ा देते हैं कि भाई तू देख, तू बस शांत रहे। अरे बच्चे शांत, उसको पूछो क्या हुआ क्या नहीं, उसको बाहर बाहर घुमाओ, क्या घर पे बिठा के सिर्फ फ़ोन पकड़ा देते हो? यार क्या मतलब है? इतना भी टाइम नहीं अपनी बच्चे के लिए, बेटी या बेटे के लिए, कि आप आधा घंटा एक घंटा उसको स्टोरी सुना पाओ, उसको अच्छी अच्छी लोरियाँ सुना पाओ, उनसे बातें कर पाओ। आप ही लोग हो जो बच्चों को बिगाड़ रहे हो, ठीक है? आप उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे और फ़ोन की मतलब मांग करेंगे, हमें फ़ोन दो करके, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा बोल पाओ बच्चों को कि तू फ़ोन के साथ चिपकी रहती है, या फिर तुझे तो फ़ोन की ही आदत हो गई, तू कहीं पर भी जाता है तो फ़ोन लेके जाता है, बिना फ़ोन के तू रह नहीं सकता। हेलो मिस्टर एंड मिसेस, सुनो, गलती आप लोगों की ही है, बचपन से आदत आपने ही लगाया है। मैं अपनी तारीफ नहीं करी, बट स्टिल मैं अभी, मेरा 12th हुआ है एंड आई हैव दिस फ़ोन, एंड्रॉयड भी बिल्कुल भी नहीं है, ये नोकिया X2 का फ़ोन है। मैं ये फ़ोन यूज़ करती हूँ, मैं वीडियोज़ भी अपने मम्मी के फ़ोन से बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे फ़ोन नहीं लेके दे रही थी, उन्होंने मुझे बोला था कि फ़ोन ले ले, बट मुझे पता है, मुझे पहले से पता है कि यार अगर मैंने फ़ोन ले लिया पढ़ाई में, मैं वैसे भी डब्बू, तो मैं और भी पढ़ाई नहीं करूँगी, एंड्रॉयड आ जाएगा तो जो भी यूज़ है अपने मम्मी के से करती हूँ। तो आप लोग भी जितना हो सके बच्चों को अवॉइड करो ना, मतलब बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, या फिर अगर टाइम नहीं दे पाते हो तो मतलब कुछ भी करो, दादा दादी के पास छोड़ो, कम से कम वो उन्हें पोएम वगैरह सुनाएंगे, कहानियाँ वगैरह बताएंगे, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप उन्हें फ़ोन दे देते हो, खाना नहीं खा रहा है, ले फ़ोन ले, तभी वो अपने मुंह में एक निवाला, अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रैप्टा लगाना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि इतना भी मार डालो कि भाई बस गया आपका बेटा या बेटी, वैसा भी नहीं, प्यार से थोड़ा हाथ उठाना भी ज़रूरी होता है। वो बोलते ना कि कभी कभी बच्चों को सांप के 5 पैर दिख जाते हैं, कहावत है, सांप के पैर नहीं रहते इसलिए बच्चों को दिख जाता है। तो भाई थोड़ा सा लिमिट में, कंट्रोल में
आंखें दिखाना भी जरूरी होता है, ज्यादा बच्चों को सर पे चढ़ा लो तो फिर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती है। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है, देखा भी है कि बच्चे कुछ ज्यादा ही ओपन हो जाते हैं तो रिस्पेक्ट नाम की चीज हट जाती है। रहो फ्रेंडली, अच्छी बात है, हमेशा बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स हैं तो सारी चीजें बच्चे शेयर करनी चाहिए, आपसे डरना नहीं चाहिए वो, बट उन्हें लिमिट में भी रखो कि उनको इतना तो भी डर हो कि अगर उन्होंने ये गलत काम किया तो उन्हें पता रहना चाहिए कि मम्मी या पापा उनको डांटेंगे या फिर ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए इतना एडवाइस दूंगी आंटी मैं कि अभी भी टाइम है, 5 साल की है वो, अवॉइड करो। रोती है फोन बंद कर दो, हटा ही दो, पासवर्ड चेंज कर दो, उसके हाथ में फोन आने ही मत दो। रोती है रोने दो, कितने टाइम तक रोएगी, 1 घंटा 2 घंटा? आप माँ हूँ, मुझे पता है आपकी मम्मी ने आपको समझाया है तो आप भी अपनी बेटी को समझा सकते हो, बस इतना बोलूंगी। तो जी बाकी ऑडियंस के लिए, जी अगर आपको लगा हो कि मैं कोई गलत एडवाइस दिया तो जी नो प्रॉब्लम, गलतियां मुझसे होती है, पैदा होगी तो गलती कर दी। तो भाई जी कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बता देने का, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, डिसलाइक पसंद नहीं है तो डिसलाइक ही कर दो यार, खुश हो जाऊंगी मैं। अब बल्ले बल्ले शाबा शाबा। तो जी नींद आ रही है मेरे को, सर भी दुख रहा है, तो जी बाय बाय जी। जी कुछ ज्यादा ही हो गया, गर्मी भी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, बाय, लव यू। कैमरामैन लोगों के साथ मैं उन्नति आपसे विदा लेती हूँ, बाय।